हाय एवरीवन, दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी एक आलू से बना हुआ नाश्ता, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में और जल्दी झटपट बन के तैयार हो जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक आलू, कच्चा आलू लिया है, उसे इस तरीके से कद्दूकस करके पानी में रखा है। पानी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये काले पड़ जाते हैं आलू के काटने के बाद। और अब मैं क्या करूँगी, कढ़ाई को बढ़िया से गर्म कर लिए हैं, इस पर मैंने एक टीस्पून सरसों का तेल डाला और जीरा और काला सरसों का तड़का लगाया है। और उसके बाद मैं इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज और 3 से 4 हरी मिर्च डाला है। अगर आपको प्याज खाना पसंद है तो डालें, ना तो ना डालें। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है, और आपके पास चिली फ्लेक्स है तो वो डालिए और भी अच्छा होगा। और यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता डाल दिया। उसके बाद मैं 2 कटोरी इस वाले कटोरी से पानी डाल रही हूँ। मैं ये 2 कटोरी पानी क्यों डाल रही हूँ अभी मैं बताऊँगी। इसी में यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पानी डाल दिया, और ये कद्दूकस किया हुआ आलू है ये मैं डाल दूंगी। इसे डालने के बाद मैं इसे 60% तक पकने दूंगी, इसमें पूरा नहीं पकाऊंगी, 60% ही पकाऊंगी इसे। और इसके बाद मैं इसे ढक करके 2 मिनट तक पकने दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे 2 मिनट तक ढक के पकाया है। तो आलू जो है हमारा 60% तक पक के तैयार हो गया है। और अब मैं इसमें क्या करूँगी, नमक डालूँगी स्वाद अनुसार। और इसके बाद मैंने 1 कटोरी यहाँ पे सूजी लिया है, जिस कटोरी से मैंने 2 कटोरी पानी लिया था ना, उसी कटोरी से सूजी लिया है। सूजी को हम डालते डालते चलाते भी रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना आए। और इस तरीके से अगर आपको पानी कम लग रहा है इसमें तो थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। और इस तरीके से चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर सूजी को डाल के, और बढ़िया से इसे मिक्स कर लेंगे। जिस तरह हलवा नहीं बनता है उसी तरह इसको हम मिला लेंगे मिक्स करके बढ़िया से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डो हमारा बन के तैयार है। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, प्लेट में थोड़ा सा तेल लगाया है और थोड़ा सा कटोरी की पेंदी में भी तेल लगाऊंगी। और उसके बाद हम जितना वो डो बन के हमारा तैयार हुआ है वो इसमें हम निकाल देंगे, और निकालने के बाद इन सभी को इसमें हम कटोरी की पेंदी की सहायता से पसार देंगे। और पसारने के बाद इसे हम आधा घंटा तक किचन में ही छोड़ देंगे। अगर आपके पास फ्रिज है तो 10 मिनट तक फ्रिज में रख दीजिए। इसे बढ़िया से ढकिए ताकि इसका लेयर जो हवा, इस प्रेशर जो है इसके अंदर वो निकल जाए। यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसे आधा घंटा के बाद इसे काट रही हूँ इस तरीके से, तो ये बढ़िया से कट रही है, कहीं से भी टूट नहीं रही है। तो देख सकते हैं मैंने इस तरीके से काट के निकाल लिया है। और अब मैं इसको बीच से भी काटूंगी, इस तरीके का शेप दूंगी मैं। इस तरीके से हल्के हाथों से इसे हम बीच से भी काट लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसी तरीके से सब बना के तैयार कर लिया है। इसे आप फ्रिज में भी रख सकती हैं, 5 से 6 दिन तक खा सकते हैं इसे, जब भी मन करे तभी इसे फ्राई करके। और इसके बाद मैंने यहाँ पे तेल को बढ़िया से गर्म होने दिया और गैस का फ्लेम मीडियम रख के इसे हम गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लिया है, और ये हमारे इसी तरीके से मैं सारे फ्राई कर लूँगी। तो हमारा ये एक आलू का नाश्ता बन के तैयार है। बाय।